शायद छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब एक मजदूर जिनकी कुल संपत्ति महज 50,000 रुपए है, आज वो साजा की विधायक सीट हासिल कर चुके हैं। हाल ही में हुए छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ईश्वर साहू ने कांग्रेस के कद्दावर नेता रविंद्र चौबे को 5,196 वोटों के अंतर से हराकर विधायक की सीट हासिल कर ली। रविंद्र चौबे कृषि, पंचायत और संसदीय मंत्री रहते हुए चुनाव लड़े। 7 बार के विधायक रहे रविंद्र चौबे कांग्रेस के टिकट पर इस बार 9वीं बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। वहीं कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई करने वाले 42 वर्षीय ईश्वर साहू सहित पूरा परिवार पेशे से खेतीहार मजदूर है। चुनाव लड़ने से पहले तक जीवन यापन के लिए ईश्वर साहू नागपुर में सब्जी बेचने और रिक्शा चलाने का काम किया करते थे और उसके बाद वो साझा आकर बस गए। लेकिन हर कोई हैरान है कि बीजेपी ने ईश्वर साहू को आखिर टिकट क्यों दिया, तो इसके पीछे ईश्वर साहू की एक दर्दनाक कहानी है। दरअसल 8 अप्रैल 2023 को दो स्कूली छात्रों में साइकिल चलाने को लेकर मामूली विवाद हुआ था। इसमें से एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम समुदाय का था। गांव में दोनों ही समुदाय के बीच पहले से ही अलग अलग मामलों को लेकर विवाद होता आ रहा था। ऐसे में दो स्कूली छात्रों के बीच के इस मामूली विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया और फिर ये विवाद हिंसा में बदल गया। इसी में ईश्वर साहू के 22 वर्षीय बेटे भुवनेश्वर साहू की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद गांव का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीजेपी के नेतृत्व में हिंदूवादी संगठनों ने 10 अप्रैल को प्रदेश बंद का आह्वान किया। इस दौरान गांव में बाहरी लोगों की भीड़ जमती गई। मुस्लिम बहुल्य गलियों में पत्थरबाजी भी हुई। इस दौरान यहां हुई हिंसा में कुछ पुलिस वाले और पत्रकार भी घायल हुए। इलाके का तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसी बीच प्रशासन ने हालात सामान्य करने के लिए इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। सरकार ने ईश्वर साहू के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की पेशकश भी की, लेकिन परिवार ने उसे नहीं लिया। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने ईश्वर साहू को मदद के नाम पर 11 लाख रुपए दिए। छत्तीसगढ़ में यह पहला मौका था जब हिंदू मुस्लिम विवाद इतनी बड़ी सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया था। घटना की चर्चा पूरे देश में हुई। 15 दिन से अधिक तक इलाके में गंभीर तनाव का माहौल बना रहा। इस बीच बीजेपी ने चुनाव में ईश्वर साहू को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी नेता अमित शाह ने ईश्वर साहू के लिए प्रचार भी किया। उस दौरान उन्होंने कहा था कि ईश्वर साहू सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि इंसाफ की लड़ाई के प्रतीक है। जनता ने ईश्वर साहू का साथ दिया और अब ईश्वर साहू विधानसभा पहुंच गए। ईश्वर साहू की संपत्ति की बात करें तो चुनाव में निर्वाचन आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक ईश्वर साहू के पास कुल 11,50,270 रुपए कैश है। इनमें से 11 लाख वही है जो बीजेपी नेताओं ने उन्हें दिए थे, जबकि पत्नी सती साहू के नाम 5 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति है। विधानसभा चुनाव में 5,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल करने वाले ईश्वर प्रदेश के सबसे गरीब विधायकों में से एक हैं। तो दोस्तों, ये थी साजा के विधायक ईश्वर साहू की कहानी। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बिल्कुल इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए नवीन खबर।